और एक और बात भाई, अपने एडिशन में एक और चीज़ ऐड होने वाली है। जैसे बोला तो मैं हूँ, देख 10,000 जमा करे, रिजल्ट खुद आएगा मेरे घर। सो गाइस, म्यूजियम में आ चुके हैं भाई, और सबसे पहले अंदर आते ही तुम्हें पता क्या दिखेगा? सबसे पहले ये दिखेगा जो मशीन गन होती है ना, ये की रखी हुई और ये की रखी हुई। इसका मैं सही बताऊं तो प्राइस इन दोनों का मेरे को काफी ज्यादा पड़ गया। एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो, कम ही आवाज में करेंगे, ज्यादा तेज आवाज में, क्योंकि भाई इसके बहुत ज्यादा साउंड है, इसका सबसे ज्यादा खतरनाक बेस ही है। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। सो भाई अभी तो फिलहाल मैं नहावा के सेट हूं, और अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी तो मेरे को निकल के कॉलेज में जाना है। तेरे भाई कॉलेज का क्या नाम है? कॉलेज का क्या नाम है? गुरुकुल कांगड़ी डीम यूनिवर्सिटी। तो भाई एक अच्छा, इसके एक कॉलेज के बाद बताऊँ, मेरे को कॉलेज का नाम नहीं पता, सच्ची बताऊँ तेरे को, ठीक है? मेरे को गुरुकुल पता है, गुरुकुल। तो भाई एक मैं इसके कॉलेज की बात बता देता हूँ, ये ऐसा कॉलेज है हरिद्वार का, इसको काफ़ी ज़्यादा पहले बनाया गया था, अभी इसका नहीं है, ये कम से कम 100 साल पुराना है। 1992 का नहीं, 1902 का, मतलब 1902, मतलब तब ये कॉलेज बना था, और अब से मतलब इसको 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, इतना पुराना स्कूल है। और तो अभी तो फिलहाल इसके कॉलेज में जाना है, और कॉलेज में जाने का मकसद मेरा ये भी है क्योंकि वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। एक है कि दो हैं? म्यूज़ियम दो, इसी को पता है, मैं इससे बार बार इसलिए पूछा क्योंकि ये उसमें पढ़ता है। तो दो म्यूज़ियम है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो देखते हैं वहाँ का कुछ अच्छा अच्छा व्यू लेते हैं, और उसका मतलब कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्यारा है। और भाई उसके बाद का सीन ये है कि भाई जो मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो भाई ये काफ़ी मतलब जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करा था अभी लिया था, और इस पर स्क्रैचेज आने लगे, तो मेरे को मैट फिनिशिंग इसकी पहले ही करवानी थी, तो अब करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि स्क्रैचेज थोड़े ज़्यादा ना हो जाए, और भाई इसमें लैमिनेशन भी मेरे को करवानी थी। और एक और बात भाई, अपने एडिशन में एक और चीज़ ऐड होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा पहले मैंने इसका सीन बनाया था लेने का, लेकिन कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी भाई, ले नहीं पाया था, लेकिन अब पापा से कुछ पैसे लेके मैंने, और कुछ अपने ही ऐड करके जो सेविंग में मैंने कर रखे थे पैसे ऐड, तो शाम को वो भी खरीद लेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज़ है, आपको देख के भी अच्छा लगेगा। तो फटाफट चलते हैं अब भाई के कॉलेज पे, इसके डॉक्यूमेंट्स का इसको काम है, अपना थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेंगे। और हाँ भाई, आज ये भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, काफ़ी पहले इसने भी अपना चैनल पर मतलब थोड़ा ब्रेक मार दिया था, क्या क्यों मारा था ये अपने ब्लॉग में बता देगा। इसका ब्लॉग है भाई निखिल, क्या ब्लॉग का नाम क्या है? निखिल UK 17 ब्लॉग, ओके, जाके देखना इसका भी ब्लॉग, आज बता देगा क्यों इसने बंद करा था। तो फटाफट चलते हैं इसके कॉलेज, और फिर वहाँ से फिर आगे के सीन देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है आज। सो गाइस, बैग उठा लिया भाई, लैपटॉप ले लिया इसमें, और चलते हैं अब गुरुकुल सीधा। हाँ भाई चल, कौन चलाएगा गाड़ी अब बताइए, कौन चलाएगा? मैं चला ले यार, बड़े भाई मेरा लुक बिगड़ जाएगा, एक इतना बड़ा लग रहा है, चला ले यार। 1 minute later तो इसके कॉलेज में पहुंच चुके हैं, और अंधेरा देख रहे कितना इसके कॉलेज में, लाइट भी लगवा रखी है, और पता क्या, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। और रही बात, पता एक सीन मेरा है, मैंने भाई हमारा कॉलेज का सबसे बढ़िया है, 10,000 रुपये दो और डिग्री घर तक आएगी, मेरा बढ़िया। इसका देखो कितना भागना पड़ा इसे, बना ले भाई म्यूजियम भी चलना, ठीक है? तेरे से बढ़िया तो मैं हूँ, देख 10,000 जमा करे, रिजल्ट खुद आएगा मेरे घर। चलो भाई म्यूजियम चलते हैं, सीधा यहाँ से निकलते हैं फटाफट, बहुत टाइम लग गया इसका। सो गाइस, हम आ चुके हैं भाई म्यूजियम के आगे, और भाई ये है म्यूजियम इसका, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। और सबसे बताऊँ एक चीज़ बताऊँ, 1902 के टाइम की ना मुझे वो हवेली लग रही है, बहुत पुरानी, जाऊँगा तो एक बार वो दिखाऊँगा। 1485। अरे वो तो बहुत ज़्यादा पुरानी है भाई, एक बार देखो जरा अगर दिखाई दे रहा तो, बाकी मैं इसके बाद दिखाऊंगा। भाई ये म्यूजियम है, इसके अंदर पता क्या होगा, इसके अंदर है आदि मानव के लाइटर जिससे आग जलाया करते थे ना, वो है इसके अंदर, पत्थर ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। तो अंदर थोड़ा शांति बनाए रखूंगा मैं, और तब सीधा अंदर चलते हैं, पहले मूर्ति देख लो अंकल की मूर्ति। सो गाइस, म्यूजियम में आ चुके हैं भाई, और सबसे पहले अंदर आते ही तुम्हें पता क्या दिखेगा? सबसे पहले ये दिखेगा जो मशीन गन होती है ना, ये की रखी हुई और ये की रखी हुई, कोई फालतू अगर वहाँ कुछ करेगा ना, तो दोनों गनों से वहीं उड़ा दिया जाएगा, जिस तरह भी ये बच गया उड़ने से। और भाई ये देखो सामने का क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ये भी गन है किसी तेज से, ये मशाल है जो जलाते थे, यहाँ सारी गने हैं, मतलब पहले के काफ़ी बड़ी बड़ी गने हैं भाई, मतलब एक बार चेक करो, 4-4 फुट की गने भाई साहब। और जहाँ आगे रखी हुई मशीन गन है, ये मशीन गन है भाई, और ये भी काफ़ी बड़ी गन है भाई, और यहाँ पे भी शायद सब जगह गन रखी हुई है, और सब में लोग है कोई, मतलब लोग तो ओबियसली मतलब खोलेंगे नहीं, मतलब आके लड़के सब छेड़ेंगे इनके। अच्छा ये हो गया सब, चाकू वाकू हो गया, अच्छा ये हो गया, ये तीर वगैरह हो गए इनके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। और अभी हम नीचे थे तो नीचे मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी स्टैचूज थे, मतलब 8th और 9th सेंचुरी के भाई, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो गए।
सो गाइस एक और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ दिखी है यहाँ पे। तो मतलब इसको कागज़ में समझना, पहले कपड़े पे लिखा जाता था, किसी तरह का कपड़ा होता था, लेकिन यह है रामायण, मतलब इस पर रामायण लिखी हुई है और समथिंग ये मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है भाई यहाँ पे, बहुत जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती है ना जो किताबों में तो लिखते थे कपड़े पे लिखते थे, और ये भगवद गीता है, इस चीज़ से पढ़ी जाती है, लेंस वगैरह से पढ़ी जाती है, काफ़ी छोटे छोटे में लिख रखा है, और समथिंग समथिंग इसमें भी रामायण है कुछ, ये किताब भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुरानी, मैं तो वो देख रहा हूँ अगर महाभारत के भी रखे हो, लेकिन ओरिजिनल तो यहाँ पे होगी नहीं, बस कुछ ये हैं पुरानी किताबें, और इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें मेरे ख्याल से स्टैचूज वगैरह हैं, इसमें फेस हैं, मतलब एक बार चेक करो सब जगह भैया, इसमें मतलब लड़ाइयों का सामान, जैसे लड़ाइयों का क्या है ये समथिंग वैसे ही कुछ है। अब इसमें आगे सारे स्टैचू रखे हुए हैं और कुछ खास नहीं है, जैसे एक बार चेक करो, मतलब कलेक्शन मेरे को यहाँ का सिर्फ मतलब जो भी म्यूज़ियम का होता है ना, मेरे को वॉर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है, जो लड़ाइयों का होता है जिसमें भाले वाले और गन रखे रहते हैं, वो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है भाई अपनी तरफ। ये भी सब स्टैचू ही मतलब थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ बना रखी है, पेंटिंग वगैरह। तो अब नीचे चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं भाई, अपना भी मेरे को कुछ काम था, इसका भी मतलब डॉक्यूमेंट्स का काम इसका भी सारा ख़त्म हो गया। तो एक लास्ट सीन ये देखो, अच्छा इसके इधर भी एक और है, मतलब वहाँ पे पेंटिंग रखी है, तो उसका भी मैं सारे सिनेमैटिक लेके और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस नीचे वाले फ्लोर पे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा पुराने पुराने सिक्के रखे हुए हैं, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा पुराने, मेरे को देख के भी लग रहा है टेढ़े मेढ़े सिक्के भाई यहाँ के, मतलब ये इंडिया के ही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, ये सब इंडिया के ही हैं, ये भी इंडिया के ही हैं लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ भारत के जितने भी हैं, और यहाँ पे मतलब इंडिया के तो छोड़ो, मतलब हर कंट्री के रखे हुए हैं भाई, ये भी मतलब इंडिया के ही हैं, और जितने भी मैंने पहले देखा था तो भाई यहाँ सब पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ के, जैसे कि अभी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सामने, भोपाल, बीकानेर, अभी फ़िलहाल यहाँ पे सब इंडिया के ही हैं, लेकिन आगे के बारे चेक करो, पॉज कर करके पढ़ते रहना भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिक्के हैं, मैं रुक रुक के नहीं दिखाऊंगा सिक्के, यहाँ पे भी कलेक्शन रखा है, मतलब पाकिस्तान के भी हैं, नेपाल के भी हैं, ये पाकिस्तान के हो गए, ये अफ्रीका के हो गए, यहाँ पे अब पाकिस्तान के तो देख लो, ये मैंने 6 रखे सिक्कों में भी, ठीक है भाई, कैनेडा के ये रखे हुए हैं, मतलब हर कंट्री के हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के भी सब वहीं पर रखे हैं। और रही बात इतने बड़े नोट मैंने पहली बार देखे भाई, एक बार ये चेक करो, मतलब ये भी काफ़ी टाइम पुराने जो नोट चलते थे भाई उनके हैं, अफ्रीका के हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है अफ्रीका के, ये जर्मनी के हैं नोट, और हाँ भाई ये रहे वो बड़े नोट जिसकी मैं बात कर रहा था, रूस के, सच्ची भाई बहुत ज़्यादा, मतलब 500 से मतलब डबल, जितना अपने इंडिया में 500 का नोट है ना उसका डबल नोट है इसका, मतलब इसका वेट वेट कह रहा हूँ इसका साइज़। तो चले भाई, मैंने बोला था ना मेरे को कलेक्शन गन का ही अच्छा लगता है, सिक्के का भी इतना मेरे को बढ़िया नहीं लगा। सो गाइज म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं और अभी चल रहे हैं मार्केट, जैसा मैंने बताया था भाई मेरे को इस पर लैपटॉप में मैट फिनिशिंग करवानी थी। और रही बात म्यूज़ियम की, मतलब मैं ज़्यादा गंदा भी नहीं कहूँगा, अच्छा था, मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिली भाई, लेकिन इतिहास से मेरे को ज़्यादा वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, मज़ा नहीं आता ना असली रहा तो भाई। और घूमने का तो भाई गुरुकुल, मतलब ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब मैं 2 भी लगातार करूँगा ना मैं फिर भी कवर नहीं कर पाऊँगा, तो आगे कभी दोबारा आते हैं तो मार्केट चलते हैं, इसको फिनिशिंग करवाते हैं। 3 hours later. So guys, रूम पे आ चुके हैं और अभी फिलहाल मैं अपने कमरे पे नहीं आया, अभी मैं निकल के रूम पे आया हूँ, तो भाई इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। और रही बात जब हम कॉलेज पे थे भाई, तो मतलब मेरा बैटरी डाउन हो गई थी मेरे फ़ोन की, और आगे का मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। तो रही जहाँ हम जा रहे थे भाई मैट चढ़ाने उस पर लैपटॉप पे, तो वो काम हो गया था उसके, प्लस उसके साथ साथ मैंने एक और शानदार चीज़ खरीद ली थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये रहा लैपटॉप मैट, इस पे काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन मैंने उस भाई को मैं पहले ही मना करके गया था कि इस पे ना ही करें, लेकिन उसने अंदर भी कर दिया था, कोई इशू नहीं है, अब इस पे भी अंदर स्क्रैच नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, सही बताऊँ ना, अगर ज़्यादा होगा तो मैं इसको यहाँ से वापस इसको रिमूव कर दूँगा, लेकिन बाहर से काफ़ी प्यारा लग रहा है, माउस के भी साथ ही साथ कर दी थी। और भाई सेकंड चीज़ थी एयरपॉड्स प्रो, मतलब इसके भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसा कि आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये मतलब मैंने अनबॉक्सिंग मैंने वहाँ शॉप पे कर दी थी, क्योंकि वहाँ भाई एक बार देखना ज़रूरी था वहाँ पे, और एक बार आपको मैं अंदर से चेक करा देता हूँ, साथ ही साथ मैंने इस पे भी मतलब मैट करवा लिया था, और इस पे भी मैंने मैट करवा लिया था, एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये भी, चेक आउट।
और भाई इसके अंदर जैसा होता है, और भाई इसके अंदर मतलब एक इसकी मतलब वो चार्ज करने की केबल है, और ये एयरबड्स है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर भी चार होंगे कम से कम। इसके अंदर चार हैं। और ये इसकी वॉच की बात रही तो ये भी स्मार्ट वॉच है, ठीक है। मेरे को भी काफ़ी टाइम मेरे को पहले से लेना था ये। तो आज का तो भाई मेन सिस्टम मेरा यही था। अब घर जाके एक बार ये पापा को दिखाऊंगा, मैं पापा मेरे को दिखाऊंगा, उनका रिएक्शन लूंगा। प्राइस इसका मैं सही बताऊं तो प्राइस इन दोनों का मेरे को काफ़ी ज़्यादा पड़ गया। तो अब इसको पैक करते हैं, निखिल को करते हैं बाय बाय। फ़ोन वो लेके चला गया इतना दूर, तो अब यहाँ ले आओ भाई। सो गाइस अब चलते हैं घर, और इन सामान को भाई अपने वॉच वगैरह को सारे को समेट के बरसते में रहते हैं। और भाई अभी टेस्टिंग चल रही है ब्रो, आ रही आवाज़ हैं तगड़ी। सो भाई पैसे भी तगड़े लगे हुए, इसलिए तगड़ी आवाज़ आ रखी। तो अब फटाफट इसको समेटते हैं और पापा के पास चलते हैं। पापा मेरे ख्याल से घर आ गए हैं, दोपहर के टाइम आ जाते हैं भाई, और देखते हैं रिएक्शन लेते हैं पापा का एक बार। पापा को भी इसकी आवाज़ सुनाते हैं और बता देते हैं कि हाँ भाई सामान लेके आ चुका हूँ मैं। और चलते हैं फिर खाना वाना खाते हैं, काफ़ी भूख लग रही है। तो अब सीधा घर मिलते हैं, ओके बाय। One hour later. So, भाई घर पे आ चुके हैं और भाई पापा भी आ गए हैं शॉप बढ़ा के। तो अभी अपना जो एडिशन अपना लेके आए थे भाई, तो पापा को दिखाते हैं, और उसके बाद एक और सीन है वो बाद में बताते हैं। पहले एक बार पापा को दिखाते हैं। तो पापा जी ये देखो जी। इसको ओपन करो एक बार, जिस चीज़ के पैसे लेके गया था मैं। इसको ऐसा खोल लो, अरे एक सेकेंड निखिल ले आइयो भैया, निकल के पास है इसके अंदर का। एक मिनट, ये तो खाली है, खाली है तो डब्बा। हाँ वो निकल के पास है, वो इसको पेयर कर, इसको पेयर कर अपने फ़ोन से। ये था वैसे जिस चीज़ में पैसे लेके गया था। लो ये बात सुनो, इसकी आवाज़ और रिव्यू दो कि कैसा है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई, काफ़ी मैंने अपना ट्राई करा था, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा था। अरे बार पापा सुन लेंगे, वही कोई अच्छा गाना बजाइए। चलो यार नेट भी नहीं सही कह रहा, निकालो उसको, मैग्नेट है वो, ओपन करो। ओके आवाज़ आ रही है कुछ, चल कहाँ रहा है, चल नहीं टच कर दे पापा ने, सेंसर पे टच हो गया। साउंड तो बड़ी बढ़िया है, साउंड सही है। कितने जने खड़े रिव्यू देखने के लिए इसका, एक बार मम्मी को ट्राई करवाओ, मम्मी को ट्राई करवाओ, एक बार ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो, कम ही आवाज़ में करेंगे, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, क्योंकि भाई इसके बहुत ज़्यादा साउंड है, इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक बेस ही है। तेज कर दे साउंड एक बार, ना ना वो गाना आवाज़ आ रही है, वो आपने सेंसर पर टच कर दिया फिर वापस। तो भाई ठीक है, अपना जो भी था मेरे को वैसे ही पता था कि ठीक लगेगा। और रही बात, और आज का आप आज जा रहे हो ना, कितने बजे? तो नाइट में पापा चले जाएंगे, मतलब छोड़ के तो मैं ही आऊँगा। और रही बात, अभी भाई जाना है अपने को कहाँ पे, वो लेने जाना है, कुछ सामान लेने मंगाया था। आपने क्या मंगाया था? गंगा जल, जयपुर में जो मामा जी रहते हैं तो उनके घर भाई मामा जी ने गंगा जल मंगाया था, तो गंगा जल ही लेने जा रहे हैं हम दोनों निखिल और मैं। तो ठीक है पापा, ये ठीक है सामान लेके आओ। और एक और चीज़, ये घड़ी भी थी, हाँ ये नहीं दिखाई मैंने, अरे तो जाते समय नहीं लेंगे, इग्नोर कर दिया, ये बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना, और मस्त है, ओके लगे रहो। और बताओ क्या पापा का पैसे खर्च, मेरा भी सही करा दो, 3000 का वो तेरा तो नया ला देंगे, इसने रैकेट तोड़ दिया अपना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के चक्कर में भाई अपना। हां नया ला देंगे, अभी सही भी नहीं होगा, सही बताऊँ तो अब इसको नया देना पड़ेगा। आप बताओ क्या कह रहे थे, आप बताओ, नया मंगा देना नया। यस क्या कह रहे थे आप, कुछ सामान फटाफट उठा के, फिर उसके बाद पापा को छोड़ने भी जाना। ओके 1 minute later. सो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया भाई, अपने को जल भरने जाना था, तो पापा ने रोक लिया था, बोल रहे थे फिर दो दो चक्कर लग जाएंगे, जल भरने भी मैं जल आ जाऊंगा, फिर वापस आना, फिर पापा को छोड़ना है। तो अब पापा को सीधा छोड़ने चलना है, पापा को 9 बजे बस थी पापा की, तो अब 8:30 बजने वाले हैं भाई, तो पापा को वहीं छोड़ देंगे सिंहद्वार, और सिंहद्वार से मतलब प्रेम नगर आश्रम काफ़ी पास ही है, तो जल भी वहीं से भर लेंगे, तो फिर पापा चले जाएंगे। तो पापा कर दो बाय बाय, ओके पापा जी, वैसे मैं बाय बाय तो वहीं करूँगा, मैं ही छोड़ने जा रहा हूँ पापा को। तो चलो भाई जल्दी चलते हैं, आयो पापा। तो भाई कैन ले लें यहाँ से, और प्रेम नगर आश्रम इधर ही है, तो इधर से घाट पे से अपना भर लेंगे, और उसके बाद फिर पापा को मैं छोड़ दूंगा सिंहद्वार साइड,
तो चलते हैं फिर, 5 लीटर का उठाते हैं। ये 5 लीटर है क्या बाबा? 5 लीटर है, छोटा लग रहा है। तो गैस गंगा जल भी भर चुके हैं और भर के लेके आ गए हो गए ना पापा। तो अब चलते हैं भाई, पापा को बस स्टैंड पे छोड़ देते हैं। बस स्टैंड मतलब सिंहद्वार से थोड़े से आगे जाना है, बस वहीं पे रुकेगी। तो भाई अभी हम यही है घाट जो नहीं देखा ना, एक बार घाट ये देख लो, सीन चेक कर लो यहाँ का, और सही चलते हैं फिर फटाफट छोड़ते हैं, क्योंकि भाई 9 बज चुके हैं, 15 मिनट रह गई है, लेट हो गया तो बस वाला रोक लेगा, ऐसा कुछ नहीं, जानने वाले ही भैया हैं। तो फटाफट पापा को छोड़ दें फिर उसके बाद सीधा घर निकलते हैं। तो भाई अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ बस का, जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म होता है भाई सिंहद्वार का आगे वाला, तो अभी वेट कर रहे हैं, बस यहीं पे आएगी सीधा। तो अभी कम से कम 5-7 मिनट और लगेंगे बस को आने के लिए। तो बस सामान वामान सब रेडी है, पापा ने बर्गर ले लिया था, ड्राइवर जो भैया है उन्होंने कहा था कि बर्गर लेते आना, वो जानने वाले हैं अपने। तो बस का इंतज़ार करते हैं, और भाई ठंड भी होने लगी है, तो फटाफट पापा को बिठाते हैं फिर उसके बाद सीधा घर निकलते हैं। तो भाई बस आ चुकी है, पापा जी बाय बाय बाय, पैर छुआ लो बाय, ओके टाटा, फ़ोन करना पहुँच के, ओके चलो भाई बाय बाय, हो चुका है। और अपन तो भाई बाय बाय बाय, बहुत बड़ी बस है भाई जयपुर की, तैयार अपन स्कूटी उठाते हैं अपनी और सीधा चलते हैं घर अब। सो गाइस घर आ चुके हैं, और भाई अब डिनर करते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। भाई बता देना व्लॉग आज का कैसा लगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। सो गाइस घाट पे पहुंच चुके थे अपन, और एक मिनट मेरी ना आवाज़ भी नहीं आती इसको लगाने के बाद, मैं जब से आया ना मैं तब से पहन के घूम रहा हूँ।